A very good morning to my dear students. So this is Dr. Sonali welcoming you all once again to the OSS Education Channel, in which I will be interacting with you with a beautiful, one of the very beautiful and creative subject known as biology. तो बच्चों, आज हमारा fifth day का session है. This is the fifth day we are interacting with each other, and I hope जो हमने चार दिन में पूरा पढ़ा है उसको आप बारी बारी से revise कर रहे हैं. Revise का मतलब है सिंपल वीडियो को देखकर वापस से सारे पॉइंट्स को रिकॉल करना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रिगार्डिंग सेल. सेल सिर्फ इसी यूनिट के लिए कन्फाइंड नहीं है, ठीक है बच्चों. सेल एक ऐसी चीज है जो कि आप सारे यूनिट के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिंक रहेगा. तो उसके लिए आपको सारे जितने भी हमारे दिन का सेशन हुआ है उनको रोज थोड़ा थोड़ा टाइम देकर जरूर रिवाइज करना है, ठीक. यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग योर नोट्स ऑल्सो. तो आप उन नोट्स को ही ब्राउज करते जाएंगे तो आपके लिए और इजी रहेगा. ऑलराइट, वेल, सो टुडे वी विल बी स्टडीइंग वन वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल, जिसको हमने स्टार्ट कर चुके थे अपने पिछले लेक्चर में. एंड द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनल इज गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, गॉल्जी एपरेटस. जी हाँ, हमने इन दोनों टर्म का मतलब समझा था. गॉल्जी वर्ड आता है फ्रॉम द साइंटिस्ट जिन्होंने इस कंप्लीट कॉम्प्लेक्स को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया था सेल के अंदर, और उन साइंटिस्ट का नाम है कमाइलो गॉल्जी. देन जो कॉम्प्लेक्स एंड एपरेटस नाम इसलिए दिया क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो ये काफी कुछ सिमिलैरिटी बच्चों किसके साथ दिखा रहा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर के साथ. सिर्फ डिफरेंस ये आता है ER में डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स अलग अलग रहते हैं, दे आर नॉट एसोसिएटेड विद ईच अदर, दे आर नॉट लिंक्ड टू ईच अदर. बट इन केस ऑफ गॉल्जी कॉम्प्लेक्स डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर लाइक सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स, all of them they are associated with each other, they are forming a complex, they are forming an apparatus, therefore the name Golgi complex apparatus or bodies ye naam diya gaya. Okay, aaj hum pura detail padhenge ki jo Golgi complex hai uska structure agar ER ke jaisa hai to kya function bhi ER ke jaisa hai. Of course, answer will be no. If जैसा होता तो हम क्यों उनको फिर अलग अलग पढ़ते, कहीं ना कहीं डिफरेंस है, ठीक है बच्चों. तो वो डिफरेंस को हम पढ़ेंगे क्या क्या रहता है. मेन चीज आप जो ध्यान रखेंगे कि ER में जो फंक्शन थे वो हमने क्या क्या पढ़ा था, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ बायो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, कि ER कौन कौन से बायो मॉलिक्यूल को बना रहा था. तो हमने पढ़ा था कि RER बनाने में किसको बनाने में हेल्प करता है, प्रोटीन्स. सिमिलरली SER हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड मेटाबॉलिज्म. इज इट क्लियर. तो सिंपल मोटा मोटा प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट कौन बना रहा था, ER. बट सेल को हमेशा पूरी तरह से प्रोटीन, पूरी तरह से लिपिड, पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए होता. कभी कभी सेल को इनके कॉम्प्लेक्स चाहिए होते हैं, मतलब प्रोटीन और लिपिड का मिक्सचर चाहिए, जिसे हमने पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एज लिपोप्रोटीन. कई बार कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड का कॉम्प्लेक्स चाहिए रहता है, जिसको हम पढ़ेंगे एज ग्लाइकोलिपिड. कई बार कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स चाहिए रहता है, उसको पढ़ा है एज ग्लाइकोप्रोटीन. तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनाना है, किस तरह से मॉडिफिकेशन होना चाहिए प्रोटीन के स्ट्रक्चर, लिपिड के स्ट्रक्चर, कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में, ये मॉडिफिकेशन का काम करता है गॉल्जी कॉम्प्लेक्स. तो ER ने प्रोटीन बना दिया, लिपिड बना दिया, कार्बोहाइड्रेट बना दिया, इन तीनों को वो किसको देता है, आप गॉल्जी कॉम्प्लेक्स को. गॉल्जी कॉम्प्लेक्स
अपने एक एंड से इन तीनों मॉलिक्यूल को लेता है, उसके गॉल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर इनमें बढ़िया सा मॉडिफिकेशन हुआ, लिपोप्रोटीन बना, ग्लाइकोलिपिड बना, ग्लाइकोप्रोटीन बना, और गॉल्जी कॉम्प्लेक्स के एक एंड से वो फिर रिलीज आउट हो जाता है। तो कौन से एंड से जाएगा, कौन कहां पर मॉडिफिकेशन होगा, कौन से एंड से वो मॉडिफाइड प्रोडक्ट रिलीज होगा, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं आज हमारा बहुत ही बढ़िया सा, जिसमें बढ़िया बढ़िया मॉडिफिकेशन हम पढ़ेंगे। गॉल्जी कॉम्प्लेक्स को फर्दर दूसरा और क्या नाम दिया जाता है ये भी पढ़ेंगे। पहले भी आपको बताया है कई ऐसे ऑर्गेनल्स है जिनको उनके फंक्शन के आधार पे उनको दूसरा नाम भी दिया जाता है, तो बिल्कुल वो दूसरा नाम भी जरूरी है पढ़ना समझना, जिससे आप क्विकली उससे एसोसिएटेड क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलो तो आप देख सकते हैं मैंने एक तरफ थ्योरी लिख के रखा है, एक तरफ डायग्राम बना हुआ है। ये डायग्राम वाला पार्ट हम पहले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं ना, यस। और ये जो स्ट्रक्चर है ये काफी कुछ रिजेंबल करता है ईआर के साथ, तो नाम तो वही रहेंगे कंपोनेंट्स के, सिर्फ उनका स्ट्रक्चर में थोड़ा सा स्लाइट चेंज है, तो उसको हम समझते हैं क्या क्या है। ओके बच्चों, ये रहा थ्योरी, ये रहा डायग्राम, दोनों को हम कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो बढ़िया सा समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट नाउ। द स्ट्रक्चर है जो थ्री कंपोनेंट से ईआर बना, सिमिलरली यहां पे भी हम स्ट्रक्चर में देखेंगे दैट देयर आर थ्री कंपोनेंट्स प्रेजेंट। द नेम ऑफ दोस थ्री कंपोनेंट्स आर सिस्टर नेम, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। फाइन, जो हमने सिस्टर ने पढ़ा था ईआर में वो फ्लैट लॉन्ग स्ट्रक्चर थे, पढ़े थे, बट इन केस ऑफ गॉल्जी कॉम्प्लेक्स बच्चों ध्यान से सिस्टर ने में ही चेंजेस आता है। सिस्टर ने गॉल्जी कॉम्प्लेक्स के टाइम पर फ्लैट ना होकर कर्व्ड रहता है, कैसा रहेगा, कर्व, घुमा हुआ सा रहता है। अब कर्व्ड रहने के कारण एक साइड को बोला जाता है कॉन्वेक्स, एक साइड को सरफेस को बोला गया है कॉनकेव सरफेस। सो इज इट क्लियर व्हाट आई हैव टोल्ड, इन केस ऑफ सिस्टर्नी इट्स अ लॉन्ग स्ट्रक्चर, यस, बट लाइक ईआर दे आर नॉट पैरेलल और फ्लैट टू ईच अदर, दे आर कर्व्ड। फाइन, नाउ वो सरफेस जो कि बाहर की तरफ आ रहा है व्हिच इज बल्जिंग आउट, उस सरफेस को बोला जाता है कॉनवेक्स सरफेस, और वो सरफेस जो अंदर की तरफ जा रहा है, नीचे अंदर की तरफ, उसको बोला जाता है एज कॉनकेव। ठीक, अब तो मैंने सिर्फ बोला, अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो बच्चों ये देखो, ये डायग्राम बना हुआ है जिसमें से ये ऐसा मैंने कर्व्ड लाइक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज नोन एज सिस्टर्नी। फाइन, this circular structure they are known as vesicles, and this tubular structure which are sometimes branched also they have been given the name tubules, is it clear? But yahan par tubules mein zyada difference hai nahi, hum mainly difference padhenge cistern and vesicle mein, pehle hum focus karte hain kiske bare mein, cistern mein। cistern mein aap dekh sakte ho फ्लैट नोकर इस तरह से कर्व्ड है बच्चों। तो मैंने क्या बताया था, वो पार्ट कर्व में दो सरफेस आ रहे, इधर का सरफेस एक उधर का सरफेस, अब इनको नाम दिया गया है। ठीक, वो सरफेस जहां पर ये बाहर की तरफ आ रहा है, इट इज बल्जिंग आउट, दैट सरफेस इज नोन एज कॉन्वेक्स सरफेस, एंड दैट सरफेस व्हिच इज गोइंग डाउन अ डेप्थ यू कैन सी, इस डेप्थ को नाम दिया है कॉनकेव सरफेस। तो याद रहेगा कौन सा कॉन्वेक्स, बल्जिंग आउट, कॉनकेव डीप डेप्थ। फाइन, इतना क्लियर, ओके। अब हम पढ़ेंगे कि जो कॉन्वेक्स सरफेस होता है गॉल्जी कॉम्प्लेक्स का, ये सेल में किस डायरेक्शन में होता है और कॉनकेव सरफेस कौन से डायरेक्शन में होता है। ठीक, तो जो कॉन्वेक्स सरफेस है इट इज फेसिंग टुवर्ड्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस उसके पास प्रेजेंट है गॉल्जी कॉम्प्लेक्स का कौन सा सरफेस,
कॉन्वेक्स सरफेस, फिर इस तरह से गॉल्जी कॉम्प्लेक्स बना, आया कॉनकेव सरफेस और उसके बाद आता है सेल का सेल मेम्ब्रेन। तो दैट मींस एक तरफ सेल मेम्ब्रेन, एक तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, मेरा राइट हैंड शो कर रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लेफ्ट हैंड शो कर रहा है सेल मेम्ब्रेन। इनके बीच में क्या प्रेजेंट है? गॉल्जी कॉम्प्लेक्स। गॉल्जी कॉम्प्लेक्स का बताइए कॉन्वेक्स सरफेस किस तरफ आएगा? टुवर्ड्स माय राइट हैंड, मतलब कॉन्वेक्स सरफेस इज टुवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, टुवर्ड्स न्यूक्लियस। ऑन द अदर हैंड द कॉनकेव सरफेस इज फेसिंग व्हिच मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन। ओके बच्चों, इतना क्लियर? फाइन। अब इसका तीसरा पॉइंट, मैंने तीन चीजें यहां लिखी है तो इसलिए हम वन बाय वन समझ रहे हैं, ठीक। अब क्या होता है, कॉन्वेक्स सरफेस से गॉल्जी कॉम्प्लेक्स ईआर के द्वारा आए हुए प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? लेता है, ठीक है। तो ये जो सिस फेस है इट इज नोन एज टेकिंग रिसीविंग एंड, रिसीव कर रहा है। क्या रिसीव कर रहा है? वो मॉलिक्यूल जिसे किसने बनाया था? ईआर ने। So, इस फेस को नाम दिया है सिस फेस, ठीक। तो सिस फेस इट इज बेसिकली रिसीविंग एंड, ये रिसीव करता है मॉलिक्यूल्स को। कौन से मॉलिक्यूल को? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। कहां से आ रहा? ईआर से आ रहा। समझ में आया? लिंक करते चलिए, बढ़िया लिंक करते चलोगे ना, इतनी बढ़िया आप क्या बोलना चाहिए फ्लो चार्ट के फॉर्म में वन बाय वन स्टोरी बना सकते हैं। तो ईआर से प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट आया, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स का कौन सा सरफेस ने उसको रिसीव किया? कॉन्वेक्स सरफेस, इसलिए उसको नाम दिया है सिस फेस। जैसे ही वो मॉलिक्यूल एंटर किए इस सिस्टर ने में, इनमें मॉडिफिकेशन होना शुरू हुआ। लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट जुड़ा, ग्लाइकोलिपिड बना। लिपिड एंड प्रोटीन जुड़ा, लिपोप्रोटीन बना। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट जुड़ा, ग्लाइकोप्रोटीन बना। तो ये पूरा मॉडिफिकेशन कहाँ पर हो रहा? सिस्टर ने। तो सिस्टर ने में मेनली व्हाट हैपेंस? मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस वेयर? इन सिस्टर ने। ऑलराइट, फाइन। अब जब मॉडिफिकेशन हो गया तो अब गॉल्जी कॉम्प्लेक्स और मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स को क्या करेगा? सेल में रिलीज करेगा। कौन से सरफेस से रिलीज होता है? कॉनकेव सरफेस। उस कॉनकेव सरफेस को क्या फेज नाम दिया है? एज ट्रांस फेज। ट्रांसमिशन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया। देखिए, प्रोटीन से वो ग्लाइकोप्रोटीन बन गया, लिपोप्रोटीन बन गया, ग्लाइकोलिपिड बन गया। तो ट्रांस फेज से वो मॉडिफाइड प्रोडक्ट रिलीज आउट होता है। उसको रिलीज करने में हेल्प करते हैं ये वेसाइकल। सिमिलरली सिस फेज की तरफ जो वेसाइकल रहता है उस वेसाइकल को नाम दिया जाता है एज ट्रांजिशन वेसाइकल। एंड ट्रांस फेज की तरफ जो वेसाइकल है उसको नाम दिया गया है एज मैच्योर वेसाइकल। तो ट्रांस फेज की तरफ जो वेसाइकल है दैट इज मैच्योर। मैच्योर मतलब वो रेडी है कि मॉडिफाइड प्रोडक्ट को वो क्या करे? रिलीज करे। एंड सिस फेज की तरफ जो वेसाइकल है दैट इज ट्रांजिशन वेसाइकल, मतलब ये ट्रांजिशन करेगा, चेंज करेगा, मॉडिफाई करेगा। इसलिए किसके तरफ प्रेजेंट है? सिस फेज की तरफ। तो मेनली इसी पे ध्यान दीजिएगा। ट्यूब्यूल्स का एस एच इतना इम्पोर्टेंट चेंजेस नहीं है ईआर से गॉल्जी कॉम्प्लेक्स में आते हैं। जहां चेंज है वो है सिस्टर ने एंड वेसाइकल। स्पेशली सिस्टर ने दैट इज नॉट फ्लैट, इट इज इन अ कर्व्ड फॉर्म। तो वन सरफेस इज नोन एज कॉन्वेक्स सरफेस व्हिच इज टुवर्ड्स न्यूक्लियस। इट इज आल्सो बीइंग गिवन द नेम सिस फेस which receives molecules from ER for modification. Then, once the molecule it enters Golgi complex, the modification it takes place in cisterna. After modification, the modified products, molecules, they are then released by mature vesicles from concave surface, from trans phase
of Golgi bodies. Is it okay? Is it clear? Structure clear है? Structure explain करते करते मैंने आपको एक function भी explain कर दिया. तो हम जैसे ही function का first part पढ़ेंगे वो आपको और clear हो जाएगा. Is it okay बच्चों? The structure clear हुआ? Fine. The theory part as well as the diagram. Now let us proceed towards the function part. Okay. Before proceeding towards function part, let me clear off this part so that आपको function properly समझ में आए. Okay. तो फंक्शन में सबसे मेजर जो हम फंक्शन देखेंगे, सबसे मेजर फंक्शन इज मॉडिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. क्या लिखा बच्चों मैंने? मॉडिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल सिक्रीशन. अब भी हमने वही पॉइंट समझा कि कैसे सिंपल बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, उनका मॉडिफिकेशन होता है गॉल्जी कॉम्प्लेक्स में एंड देन इट इज सिक्रीटेड आउट ऑफ द सेल. सेल के बाहर फर्दर वो मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स जो है, मॉडिफाइड बायोमोलिक्यूल्स जो है, वो क्या होते हैं? रिलीज होते हैं. ओके, नाउ regarding this we will be studying two processes known as glycosylation and glycosidation. They are nothing but formation of glycolipids and glycoproteins. Alright? So what I said, दो नए नाम हम पढ़ रहे हैं. ये जो दो नए नाम लिखे हैं ये प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं. कैसा प्रोसेस? जिसमें कि दो अलग अलग मेजर बायोमोलिक्यूल आपस में जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल बना रहे हैं, एक मॉडिफाइड बायोमोलिक्यूल बना रहे हैं. उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसिडेशन, इन विच देयर अकर्स फॉर्मेशन ऑफ विच टू मॉलिक्यूल्स बेसिकली? ग्लाइकोलिपिड्स एंड ऑफकोर्स ग्लाइकोप्रोटीन्स. मैं एक और नाम आपको ले रही थी, उसका नाम था लिपोप्रोटीन. लिपोप्रोटीन भी बनता है बट मेनली यहाँ पर दो चीजें जो आते हैं वो है एक ग्लाइकोलिपिड और दूसरा है ग्लाइकोप्रोटीन. इज इट ओके? मॉडिफिकेशन हुआ, मॉडिफिकेशन के लिए मॉलिक्यूल कौन से फेज से एंटर किया? सिस फेज से. मॉडिफिकेशन हुआ, कौन से फेज से बाहर आया? ट्रांस फेज से. कौन से वेसाइकल मॉडिफाइड मॉलिक्यूल को रिलीज आउट करते हैं? दे आर द मैच्योर वेसाइकल्स. इज इट क्लियर? ओके फाइन बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, सो ये देखा हमने फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन टेक्स प्लेस. मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख दे रही हूँ सिस्टर ने, इसका मतलब जो मॉडिफिकेशन हो रहा है मॉलिक्यूल का वो कौन से स्ट्रक्चर में हो रहा है बच्चों? सिस्टर्नी में हो रहा है. ठीक है, अब ग्लाइको गॉल्जी कॉम्प्लेक्स एक क्या बोलना चाहिए, एक मीडिएटर का काम कर रहा है कि वो एक मॉलिक्यूल ले रहा, मॉडिफाई कर रहा और सेल के बाहर भेज रहा है. Therefore, Golgi complex is given one more name known as middleman of cell. Middleman, बीच का मीडिएटर है कि वो क्या कर रहा है, मॉडिफिकेशन कर रहा है. He is Golgi complex is also given one more term as director of movement of macromolecules. डायरेक्ट कर रहा है कि कौन सा मॉलिक्यूल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन जाना चाहिए और उसमें क्या क्या चेंजेस आने चाहिए हैं. सो वी विल बी स्टडिंग दैट द मॉडिफाइड मॉलिक्यूल्स आर सेंट
outside the cell, therefore Golgi complex has been given other name as middleman of cell, or it has been also known as director of macromolecular traffic in cell. Oh my god, two names. Kya kya hai do na? Ek, middleman of cell, kyunki नए मॉलिक्यूल को बना कौन रहा था? बेसिकली ईआर, पर ईआर से डायरेक्टली वो बाहर नहीं जा रहा है. किससे होते हुए वो मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है? गॉल्जी कॉम्प्लेक्स से होते हुए जा रहा है. देयरफॉर गॉल्जी कॉम्प्लेक्स को दूसरा नाम दिया गया है मिडिलमैन. इज इट क्लियर? साथ ही साथ वो डायरेक्ट कर रहा है. डायरेक्ट करना, देखिए, डायरेक्टली प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड नहीं जाता है सेल के बाहर, उन्हें मॉडिफिकेशन हो रहा है. तो वो जो डायरेक्ट करना कि क्या चेंजेस होने चाहिए उन मॉलिक्यूल में, वो कौन करता है? अगेन गॉल्जी कॉम्प्लेक्स. देयरफॉर द टू नेम्स व्हिच आर गिवन टू गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, दे आर मिडलमैन ऑफ सेल एंड डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक इन सेल. बच्चों, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. इनसे क्वेश्चन आता है कि गॉल्जी कॉम्प्लेक्स को दूसरा नाम क्या दिया, या फिर Which organelle is known as middleman of cell? Alright? तो आप question आया और तुरंत आपको answer बनना चाहिए. अरे middleman बोल रहा है, अरे director of macromolecular traffic बोल रहा है, ये तो Golgi complex. ठीक? और क्यों है ये भी समझ में आना चाहिए. Alright? Is it okay? I'm just giving you 5 seconds. जल्दी से इतना part आप revise करिए, फिर हम Golgi complex के दूसरे functions पर proceed करते हैं. Okay? Well, after such important function, we will be continuing with some other functions of Golgi complex. कि उसने direct कर दिया molecules को कि कहाँ जाना चाहिए. इसके अलावा ये further कुछ और important organelles को बनाने में help करता है, कुछ cell के important component को बनाने में help करता है. ये जो दूसरा वाला मैंने बताया, सेल के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को, मैं जब तक अभी सेकंड फंक्शन लिख रही हूँ तब तक मैं हिंट दे देती हूँ आपको. वो हमने पढ़ा था सेल वॉल से रिलेटेड. फटाफट याद करिए क्या पॉइंट था. मैं सेकंड फंक्शन के लिए प्रोसीड करती हूँ एंड द सेकंड फंक्शन इट इज फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स. जी हाँ, गॉल्जी बॉडी का काम जरूर है मॉडिफिकेशन करना, मेन फंक्शन वही है, बट गॉल्जी कॉम्प्लेक्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है. और गॉल्जी कॉम्प्लेक्स को बनाने में कौन हेल्प कर रहा था? ईआर से गॉल्जी कॉम्प्लेक्स बना. गॉल्जी कॉम्प्लेक्स से नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं दे आर लाइसोसोम्स, दे आर वैक्यूल्स. तो लाइसोसोम एंड वैक्यूल, दे आर स्मॉल सर्कुलर लाइक स्ट्रक्चर. तो आप खुद बताइए बच्चों, इस स्ट्रक्चर में से कौन सा कंपोनेंट होगा जो कि लाइसोसोम को बनाने में हेल्प करेगा? आंसर मस्ट बी रेडी, वेसिकल्स, क्योंकि वो खुद सर्कुलर राउंड ओवल शेप लाइक स्ट्रक्चर में है. तो बेसिकली वेसिकल्स दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ lysosomes. Is it okay? Fine. So now let us proceed that lysosomes, they are formed collectively by ER and Golgi complex. All right. Next,
फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। ये मैंने आपको हिंट दिया था बच्चों कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स कैसे सेल वॉल को बनाने में हेल्प करता है। तो आप रिकॉल करिए, सेल वॉल जब हमने पढ़ा था, सेल वॉल में दो चीज पढ़े थे कि सेल वॉल बनता किससे है, सेल मेम्ब्रेन हेल्प करता है सेल वॉल को बनाने में, बट सेल वॉल मेनली बनता है पॉलीसेकेराइड से। वो पॉलीसेकेराइड्स कहाँ बनते हैं? तो हमने दो टर्म पढ़े थे, प्लांट गोल्जी बॉडीज या फिर प्लांट गोल्जी बॉडीज को हमने पढ़ा था एज डिक्टायोसोम्स। रिकॉलिंग द टर्म फास्टली, यस। तो फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल दैट मींस द मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल दैट इज नथिंग बट पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स रिक्वायर्ड फॉर सेल वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज या फिर मैं वो टर्म भी लिख ले रही हूं, डिक्टायोसोम। इज इट क्लियर? डिक्टायोसोम बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। रीजन, हम पढ़ रहे सेल वॉल, बच्चों सेल वॉल तो एनिमल सेल में आएगा नहीं, तो डेफिनेटली वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्लांट गोल्जी बॉडीज, एंड प्लांट गोल्जी बॉडी हैज बीन गिवन अनदर टर्म नोन एज डिक्टायोसोम। ऑलराइट, प्रोसीड करें हम नेक्स्ट। फाइन, सो नेक्स्ट फंक्शन after cell wall formation, the next function goes as formation of cell plate. All right, आगे एक और नया टर्म। मैम सेल प्लेट क्या चीज है? ये तो आज तक सुना ही नहीं हमने कहीं भी से। इतना प्लांट सेल पढ़ा, इतना एनिमल सेल पढ़ा, तो डेफिनेटली बच्चों नहीं सुना होगा क्योंकि अभी तक आपने सेल का डिस्क्रिप्शन पढ़ा है। ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली सिर्फ बनता है प्लांट सेल में, और वो भी कब बनता है? जब प्लांट सेल डिवाइड होता है। ठीक, तो आपने सेल डिवीजन पढ़ा नहीं अभी तक, इसलिए आपने ये टर्म को नहीं पढ़ा है। तो बेसिकली क्या लिखेंगे अपन इसमें? सेल प्लेट is formed in plant cell only during cell division for dividing cell wall, for dividing cell wall। प्लांट सेल जब वो डिवाइड होता है तो एक प्लांट सेल से दो प्लांट सेल बनते हैं। ऑलराइट, वो प्लांट सेल में बाहर प्रेजेंट होता है सेल वॉल, उस सेल वॉल को ब्रेक करने में, उस सेल वॉल को डिवाइड करने में एक स्ट्रक्चर बनता है। उस स्ट्रक्चर का नाम है सेल प्लेट। ठीक है, ये सेल प्लेट को बनाने में कौन हेल्प करता है? प्लांट का गेन, डिक्टायोसोम। ये पॉइंट बच्चों याद रखिएगा, जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर, उसमें आएगा ये पॉइंट कि सेल प्लेट सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में बनता है, कभी भी एनिमल सेल में सेल प्लेट नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब बनेगा प्लांट सेल में सेल प्लेट? ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये सेल प्लेट बनने से क्या चीज डिवाइड होता है? तो सेल वो सेल वॉल डिवाइड होता है। देखिए तीन क्वेश्चन आ गए एक ही पॉइंट। ओके बच्चों, तो ये पॉइंट क्लियर है कैसे लाइसोसोम बन रहा है, कैसे सेल वॉल बनता है, एंड नेक्स्ट आया फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। इज इट ओके? फाइन, अब जल्दी से इन पॉइंट्स को देखिए। मैं फर्स्ट फंक्शन को यहां रब करती हूं, एंड हम लास्ट फंक्शन देखेंगे क्या रहता है। ऑलराइट, सो students, are you finding all these things very interesting, very new, very much full of knowledge? है ना, देखिए कितनी छोटी छोटे organelles हैं
बट ये कितना सारा काम करते हो, माय गॉड, यू आर कंटिन्यूअसली बिजी इन मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल, सेल वॉल बनाना, लाइसोसोम बनाना, फाइन. नेक्स्ट लास्ट फंक्शन ऑफ गॉल्जी बॉडीज इज फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम इन स्पर्म. मैम ने वापस से न्यू टर्म लिखा. क्या है वो न्यू टर्म? इट इज एक्रोसोम. स्पर्म, यू नो इट वेरी वेल, स्पर्म दैट इज अ मेल गैमेट. फाइन, यू हैव स्टडीड स्पर्म, दैट इज मेल गैमेट. यू हैव स्टडीड इट्स डायग्राम ऑल्सो. हैव यू स्टडीड? यस, वी हैव स्टडीड इन 10th डायग्राम, 10th स्टैंडर्ड. तो क्यों ना हम उस डायग्राम को थोड़ा बनाते हैं, फिर समझते हैं ये एक्रोसोम क्या करता है. ठीक है, तो मैंने यहां पर स्पर्म का डायग्राम बनाया अच्छे से. ऑल राइट, सो हियर कम्स द डायग्राम ऑफ स्पर्म. इस स्पर्म के डायग्राम में आपने पढ़ा है, दिस इज पार्ट इज नोन एज हेड, दिस पार्ट इज नोन एज मिडल पीस, एंड ये वाले पार्ट को आप पढ़े हैं एज टेल. पढ़े, और आपने क्या देखा, मिडल पीस में प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो कि स्पर्म को मूवमेंट के लिए एनर्जी देगा. ये टेल हेल्प करता है मूवमेंट में, तो बचा किसका काम? हेड का काम. हेड मेनली हेल्प करता है पेनिट्रेशन ऑफ ओवम. जो एग सेल है, ओवम है, उसको पेनिट्रेट करने में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. इज इट ओके? तो ये स्पर्म कैसे ओवम को पेनिट्रेट करेगा? तो हेड का एकदम टॉप पोर्शन हेल्प करता है पेनिट्रेशन में, एंड दिस टॉप पोर्शन They are having one structure known as acrosome, which basically helps in penetration of ovum. क्योंकि acrosome कुछ enzyme को release करता है, वो enzyme ovum के outer wall को dissolve करते हुए sperm enter करेगा ovum में. तो जो sperm है उसके हेड में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है नोन एज एक्रोसोम, विच हेल्प्स इन पेनिट्रेशन ऑफ ओवम. इस एक्रोसोम को बनाने में कौन हेल्प करता है? गॉल्जी बॉडीज. ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम इन स्पर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मियो रिफर्स टू स्पर्म, जेनेसिस रिफर्स टू फॉर्मेशन. जब स्पर्म बनता है तब हेड रीजन में एक्रोसोम को बनाने में कौन हेल्प करेगा? गॉल्जी बॉडी हेल्प करता है. इज इट ओके? तो ये टर्म ध्यान रखिएगा कि स्पर्म का कौन सा रीजन गॉल्जी कॉम्प्लेक्स बना रहा है? एक्रोसोम. तो बेसिकली बच्चों हमने पांच मेन फंक्शन पढ़े गॉल्जी बॉडीज के. क्या क्या थे? पहला फंक्शन, वो मॉडिफाई करता है मॉलिक्यूल को, जिसके कारण उसको दो नाम दिए गए एज मिडलमैन ऑफ सेल या फिर डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक इन सेल. उसमें मेनली जो दो प्रोसेस हो रहे थे वो थे ग्लाइकोसिलेशन एंड ग्लाइकोसिडेशन. ऑलराइट, इट्स अ मेजर फंक्शन. अदर देन दैट, क्या क्या चीजें बनाने में हेल्प कर रहा? लाइसोसोम, सेल वॉल, सेल प्लेट एंड एक्रोसोम ऑफ स्पर्म. इज इट ओके? फाइन, चलो मैं आपको 5 और राइट 10 सेकेंड्स देती हूँ. जल्दी से इन फंक्शंस को ब्राउज करिए, फिर किसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट ऑर्गेनल है उसका हम आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. फाइन, 10 सेकेंड्स.
ऑलराइट बच्चों, तो आपके 10 सेकंड्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं और हम यहाँ पर एक और मेजर ऑर्गेनेल को कंप्लीट कर रहे हैं, दैट इज गॉल्जी कॉम्प्लेक्स। और नेक्स्ट जो पार्ट हम कंटिन्यू करने जाएंगे वो रहेगा स्ट्रक्चर जो कि ईआर एंड गॉल्जी कॉम्प्लेक्स मिलकर बनाता है और उसको क्या नाम दिया गया है, एज लाइसोसोम। बहुत इंटरेस्टिंग सा ऑर्गेनल है लाइसोसोम, बहुत छोटा सा है पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइसोसोम, ठीक है। ऑलराइट, तो बिफोर स्टार्टिंग लाइसोसोम मैं यहाँ थोड़ा सा फ्लो चार्ट बनाऊंगी कि हम बेसिकली किसको पढ़ रहे हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। जिसमें हमने पहले पढ़ा ईआर फॉलोड बाय गॉल्जी कॉम्प्लेक्स एंड दीज टू टुगेदर नाउ दे आर फॉर्मिंग लाइसोसोम। तो इसलिए हमारा अब नेक्स्ट जो ऑर्गेनल रहेगा दैट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम को पढ़ने के पहले हम एक काम करते हैं, लाइसोसोम वर्ड को ही तोड़ते हैं और समझते हैं उसका मीनिंग। जैसे हम लाइसोसोम वर्ड का मीनिंग समझ जाएंगे आपको लाइसोसोम का फंक्शन भी क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए तो हम ब्रेक करते हैं वर्ड को, लाइज एंड सोम। लाइज रिफर्स टू लाइसिस, सोम के लिए आ जाएगा सोमा। सोमा मीन्स अ बॉडी, एक स्ट्रक्चर। लाइसिस मीन्स टू ब्रेक। स्पेशली किस टाइप का लाइसिस हम पढ़ेंगे, एज हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ एनी मॉलिक्यूल विथ द हेल्प ऑफ वॉटर। हाइड्रो रिफर्स टू वॉटर, लाइसिस रिफर्स टू ब्रेक। लाइसिस वर्ड कई जगह हम पढ़ेंगे, तो लाइसिस को बिल्कुल जहन में बिठा लीजिए। लाइसिस का मतलब ब्रेक करना। हाइड्रोलाइसिस वाटर के हेल्प से किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ना। तो सिंपल, लाइसोसोम एक ऐसा बॉडी है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है सेल के अंदर जो कि हेल्प करता है बहुत सारे मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में। बहुत सारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सेल पे अटैक करने वाले हैं उनको सेल के अंदर लेते हैं, लाइक बैक्टीरिया। अगर वो सेल के पास घूम रहा है, सेल ने डिटेक्ट किया ये बैक्टीरिया तो बॉडी का नहीं है, ये बाहर का एजेंट है, तो वो बैक्टीरिया को बड़े अच्छे से सेल के अंदर बुलाते हैं। जैसे बैक्टीरिया सेल के अंदर गया, ये लाइसोसोम उस बैक्टीरिया को ब्रेक कर देता है, ठीक। अब वो सारी चीजें ब्रेक कर रहा, ब्रेक कर रहा, ब्रेक कर रहा, अरे तो कौन सी चीज से ब्रेक कर रहा होगा, तो वो रहता है एंजाइम्स। लाइसोसोम में बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत सारे मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, प्रोटीन को तोड़ना, लिपिड को तोड़ना, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना, किसी ऐसे हार्मफुल लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल करना। ये सारे काम कौन करता है, लाइसोसोम। इज इट क्लियर? तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग लाइसोसोम कि कैसे वो डिफरेंट हाइड्रोलिटिक फंक्शन करता है, किस कंडीशन में वो एंजाइम्स काम करते हैं, एंड एट द सेम टाइम लाइसोसोम हैज बीन गिवन another name known as suicidal bag of cell. क्या नाम दिया गया, suicidal bag of cell? क्यों, कैसे suicide करना, यानी खुद ही खुद को खत्म करना। मतलब cell एक time के बाद जब देखता है कि cell की अब life खत्म हो चुकी है,
सेल अपने आप को ही रप्चर कर लेता है, अपने आप को ही किल कर लेता है। उसको करने में कौन सा स्ट्रक्चर हेल्प करता है बच्चों? लाइसोसोम्स। तो देखिए बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है पर वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, करेक्ट। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डीलिंग विद दिस अमेजिंग ऑर्गेनल नोन एज लाइसोसोम अलोंग विद वैक्यूल्स। ऑलराइट, सो टिल देन गो थ्रू कंप्लीटली अगेन रिगार्डिंग गॉल्जी कॉम्प्लेक्स। Stay very happy, very healthy, and continue with your studies. Thank you so much.